हेलो एवरीवन, आरएसी का जो न्यूमेरिकल का लेक्चर है, न्यूमेरिकल्स ऑफ साइकोमेट्री साइक्रोमेट्री का जो लेक्चर है आपका, वो आज हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक ना। सबसे पहले देखिए, बात करेंगे साइकोमेट्री में, क्वेश्चन क्वेश्चन वाइज हम बताते चलेंगे, ठीक। देखिए, एक क्वेश्चन जो बनता है सबसे ज़्यादा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है इसमें, ये भी जान जाइए। देखिए, क्वेश्चन जो बनने की संभावना होती है, नॉर्मली जो आपका पूछेगा वो पूछेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, डिग्री ऑफ सेचुरेशन से, ठीक, और स्पेसिफिक वॉल्यूम वगैरह से, और स्पेसिफिक एंथैल्पी। यहाँ से सवाल पूछेगा। कैसे सवाल बनते हैं ये भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इनका इंडिकेशन हम जानते हैं, स्मॉल डब्ल्यू रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फाइव डिग्री ऑफ सेचुरेशन का म्यू है ना। तो आइए, चलिए बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, एक सवाल जो बनता है आपका, एक सवाल देखिए कैसे बनेगा कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नहीं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नहीं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन में संबंध बताइए, संबंध बताइए, ठीक। रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन में संबंध बताइए, ठीक। या ये भी कह सकते हैं कि म्यू एंड फाई में बताइए। रिलेशन हम बता चुके हैं आपको पहले ही, रिलेशन क्या है म्यू और फाई में। म्यू और फाई में रिलेशन ये है कि म्यू इज इक्वल टू जो होता है फाई, ठीक, बताया है ना, ये पी टी माइनस पी एस अपॉन में पी टी माइनस पी वी, ठीक, ये चीज़ बता चुके हैं। ये जो है थोड़ा आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कैसे ये होता है। सबसे पहले डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होता है आपका रेशियो ऑफ क्या होता है, ह्यूमिडिटी रेशियो और सेचुरेटेड वाला जो मिक्सचर होता है उसका और अनसेचुरेटेड वाले का मिक्सचर जो होता है उसका, ठीक। तो 0.622 पी वी अपॉन पी टी माइनस पी वी जो पाते हैं, और 0.662 क्योंकि ऊपर वेपर है नीचे सेचुरेटेड, पी एस माइनस पी टी माइनस पी एस करेंगे जब तो कट जाएगा, और कटने के बाद हमें ये चीज़ प्राप्त होती है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये आता है, ठीक। एग्जाम में हमें लगता है कि इस बार शायद ये पूछा जाए कि फाई में और म्यू में संबंध बताइए, ठीक, या फिर ये दे देगा, कहेगा इसे सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, और दोनों को परिभाषित भी कीजिए, किसको, फाई को और म्यू को, ठीक। इस तरह से सवाल बनेगा इसमें, फाई और म्यू को परिभाषित भी कीजिए और दोनों में संबंध बता दीजिए। पाँच नंबर कि ये पाँच नंबर का तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चार पाँच लाइन का ये है ही, तो पाँच नंबर में तो ये केवल पूछेगा नहीं, पूछेगा तो दोनों को मिला के पूछेगा, ठीक। आइए अब बात करते हैं, अब हम लोग जो है अब सवाल की बात करेंगे। देखिए, जो सवाल होंगे आपके, जो भी सवाल होंगे वो आप अपने नोट्स में करते चलेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ से जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी कि ये सब सवाल आप बाद में फिर खोजें तो पा जाएं, ठीक ना। तो इस चीज़ का जो है ध्यान देंगे आप कि कैसे कैसे जो है ये सब चीज़ें आप करेंगे और किस तरह से सब मेंटेन होंगी, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि
इस सवाल सब लोग लिखेंगे क्वेश्चन। यदि यदि क्वेश्चन सही है आपके सामने, ठीक, यदि एक मिश्रित वायु में, यदि एक मिश्रित वायु में वाष्प दाब 2.12 बार एवं संतृप्त दाब 3.12 बार है तथा टोटल या फिर कुल दाब का मान बार है 5.24 बार है तो को बताइए, निम्न को बताइए। पहले सबसे पहले आपको क्या बताना है, स्मॉल डब्लू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दूसरा पहले आप बताएंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दूसरा क्या बताएंगे आप, दूसरा आप बताएंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई, तीसरा आप बताएंगे म्यू, म्यू का मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन। 5 नंबर का ये सवाल है आपकी स्क्रीन पे, ठीक। सबसे पहले आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताएंगे, फॉर्मूला क्या है इसका, 0.622, ऊपर क्या होगा पीवी अपॉन में पीटी माइनस पीवी, 0.622, पीवी का मान कितना वाष्प दाब पीवी, संतृप्त दाब पीएस, ये पीटी, पीवी का मान है आपके पास 2.12 बार, पी टी का मान है 5.2, और इन दोनों को आप घटा देंगे तो किसका मान मिल जाएगा, पीवी का 3.12 बार, जो कि आपके सामने दिया हुआ है, क्या कहते हैं पीएस का मान, ठीक। अब आप रखेंगे पीवी के जगह पे 2.12, नीचे आप रखेंगे 3.12, कैसे हुआ ये घटा के देख लीजिए। अब ऐसे ही आपको पहले ही बताया पीवी और पीएस का जो अनुपात होता है, पीवी और पीएस वही आपका क्या होता है डिग्री ऑफ, क्या कहते हैं कि स्मॉल डब्लू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो जैसे ही आप रखेंगे ये चीज़ आपके सामने होगी, काटेंगे इसको जो आएगा वो आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा इसको निकालेंगे आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो क्या होता है पीवी और पीएस का अंतर, पीवी अरे पीई और पीएस का अनुपात। अब एक चीज़ यहाँ से आप पाएंगे कि क्या सर पीवी और पीएस जो है, जो दोनों का अनुपात आप बता रहे हैं पीवी और पीएस का, क्या उसमें जो है हम पीवी और संतृप्त वाला और असंतृप्त वाला दोनों को ले सकते हैं और 0.622 से गुणा कर सकते हैं, हम कहें हाँ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वाटर वेपर है और जो ड्राई एयर है, यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं संतृप्त वाला जो बोले हैं ये ड्राई एयर वाला है, ठीक ना, तो इसीलिए हम नहीं कह रहे हैं कि ये वाला है। हाँ इसको पीए जब कह देंगे, अगर हम ये कह देंगे कि पीए बराबर जो है पीए बराबर पीएस, यानी जो ड्राई एयर वाले बराबर है, तो दोनों चीज़ ले लेंगे, ठीक। तो इस सवाल में आप लिख सकते हैं पीए बराबर पीएस है, ठीक, यानी कि जो ड्राई एयर है, क्योंकि इसमें क्या होता है पीए बटे पीवी बटे पीए होता है, आप देखिएगा जब हम आपको ये करवाए थे तो पीवी बटे पीए का अंत वो कराए थे अनुपात, जबकि इसमें जो है आपका
ये वाले में पी वी बटे पी एस होता है, कहाँ पर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, ठीक। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बस यहाँ पे आपको 0.622 का मल्टीप्लाई कर देना है, स्मॉल डब्ल्यू आप पा जाएंगे, ठीक। और जब भाग दे देंगे तो आप क्या पा, इसमें जब भाग दे देंगे स्मॉल 622 का, तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी पा जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पी वी बटे पी ए होगा, ठीक, जबकि इसमें पी वी बटे पी एस होता है। जब हम बोल देंगे संतृप्त वाला जो है वो पी ए के बराबर है, जब इस सवाल में हम बोले हैं, तब आपको ये चीज़ लगाना है, नहीं तो ये नहीं लगेगा, ठीक। लगा करके इसको निकाल लीजिएगा। अब म्यू को निकालना है फाई से मल्टीप्लाई, सबसे पहले फाई क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मल्टीप्लाई, और पी टी माइनस पी वी बटे में पी टी माइनस पी एस, ये करके आप क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर पी एस होगा, संतृप्त वाला ऊपर होता है, अनसेचुरेटेड वाला नीचे होता है। ये करके आप क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तीनों मान आपको निकालने हैं, ठीक। और एक सवाल और हम बता रहे हैं, एक सवाल और लिखिए, ये सवाल आप अपने नोट्स में करेंगे, ठीक ना। दाब का मान जो है 5.12 पास्कल वाष्प दाब, संतृप्त दाब का मान जो है आपका 10.10 बार पास्कल ही कर लीजिए, बार में आपको बहुत चेंज करना पड़ेगा, पास्कल। तथा कुल दाब का मान जो है आपका वो 15.22, ठीक, एवं 15.22 एवं ड्राई एयर का दाब या ड्राई एयर का दाब छोड़ दीजिए, बस इतना है, ठीक। तो फाई म्यू और स्मॉल डब्लू को बताइए, यदि यदि आर बराबर 2.18 हो, इसका मात्रक भी आपको लिखना है कि सर आरए का मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है, इसलिए हम इसका मात्रक भी नहीं लिखे हैं। आरए इतना हो तथा जो इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को भी बताइए, स्पेसिफिक वॉल्यूम को भी बताइए, सब लोग को बताना है ये, ठीक। सब लोग हल करके ग्रुप में आंसर बता देंगे, ठीक। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहेंगे, थैंक यू।